इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमटी मेडी टीम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण टैबलेट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है बेटाभट 16 टैबलेट। बेटाभट 16 टैबलेट कैसे कामों में यूजेस लिया जाता है, किन किन बीमारियों को ये ठीक कर सकते हैं, कौन सा कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है, इसके सब्स्टिट्यूट ब्रांड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, इसका प्राइस कितना हो सकता है, इसको लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, सब कुछ मोटा मोटी पूरी डिटेल्स आज इस वीडियो के अंदर से जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वहां से लाना बेटाभट मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। बेटाभट 16 जिसको सन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है, ये एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण एंड बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मेडिसिन इसलिए है, ये बहुत सारा बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, वो यूज के सेक्शन में डिटेल्स में जानेंगे। बेटाभट 16 के अंदर जो कॉन्टेंट सॉल्ट मौजूद है वो है बीटाहिस्टिन। बीटाहिस्टिन 16 मिलीग्राम के स्टैंड में इस टैबलेट के अंदर मिला जाता है। वैसे तो बीटाहिस्टिन के 8 mg का भी मिल सकता है, आज 16 mg के बारे में बात करेंगे, लेकिन 8 mg का जो काम होता है वो एक ही होगा, सिर्फ डोज में थोड़ा सा फर्क रह सकता है। बीटाहिस्टिन के कॉम्पोजिशन में और भी बहुत सारा ब्रांड नेम मार्केट में मिल सकता है, जैसे कि भाटिन सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो भी मिल सकता है, बेटाभट भी मिल सकता है। ऐसे ही बहुत सारा ब्रांड नेम है, बेटाफोर्ड है, जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिला आसानी से मिला ले सकते हो, सबके काम एक ही होगा। मोटा मोटी आप जान लीजिए 15 टैबलेट की एक पत्ता आता है 250 से लेकर 270 रुपये के बीच में, एक स्टीप जो आता है वही आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही खरीदिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यूजेस कीजिए। जो मैं प्राइस बताया वो टाइम के साथ साथ अपडेट हो सकते हैं और कंपनी बेसिस जो कंपनी आते हैं ब्रांड बनाने वाले कंपनी उसको बेसिस चेंज हो सकते हैं। दोस्तों इसका जो काम होता है वो महत्वपूर्ण काम होता है, ये भाटिक रोग के सिम्टम को ठीक कर सकते हैं, यानी सर चक्रना जैसी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। पहले जान लेंगे सर चक्रना जैसी प्रॉब्लम होता क्या है। हमारा कान के जो पिछली भाग है वहाँ पर बहुत सारा जगहों में संतुलन बिगड़ जाने से, जो संतुलन बिगड़ जाने से हमारा बॉडी का संतुलन भी बिगड़ सकता है, इसीलिए ये भाटिक रोग का सिम्टम हो सकता है। ये मुख्यतर कारण है, और भी बहुत सारा कारण हो सकते हैं भाटिक रोग के सिम्टम, ये मुख्यतर कारण है। ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर इस टैबलेट का यूज लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इस टैबलेट को लेने के 10 मिनट से लगाकर 15 मिनट के अंदर अंदर ही आपके भाटिक रोग का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। ये टीनिटस की जो प्रॉब्लम होता है उसको भी सॉल्व कर सकता है, वो भी एक कान के जुड़ी हुई समस्या है, उसको ठीक कर सकता है। कान के अंदर से फ्लूइड जम जाने के वजह से जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लॉस ऑफ हेयरिंग यानी आप सुन नहीं पाते, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टैबलेट का यूजेस लिया जा सकता है, जिससे बहुत ही अच्छा फायदा मिल सकता है। ये मुख्यतर यूजेस था मैंने बताया, और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टैबलेट्स है, इसके साइड इफेक्ट वैसे तो कोई देखा नहीं गया है, फिर भी किसी किसी पेशेंट को ब्लॉटिंग की समस्या हो सकते हैं, स्टमक में पेन हो सकता है, इनडाइजेशन की समस्या हो सकता है, ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। जब भी आपको कोई अनडिजरेबल साइड इफेक्ट मिला तुरंत मेडिसिन का बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मेडिसिन चेंज करके या इसकी डोज एडजस्ट करके। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसके डोज, कितने मात्रा में कितने दिन तक देना चाहिए। डॉक्टर तो हमेशा इस टैबलेट को SOS कंडीशन में यूज कर सकता है, यानी जब आपके सर चक्कर रहा हो, वर्टिगो के सिम्टम हो, तब एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। ये तो हो गया SOS कंडीशन में, और जब ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, किसी का हियरिंग लॉस हो गया हो यानी सुनने की क्षमता चला गया हो, कान के अंदर फ्लूइड भर गया हो, उनको कोर्स करके देते हैं। हर दिन 2 टैबलेट से लगाकर 3 टैबलेट तक डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है, यानी सुबह दोपहर शाम करके दिया जा सकता है, और किसी को 2 टैबलेट तक पर डे लेने की सलाह दी जाती है, यानी सुबह शाम एक एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसको खाने से पहले भी लिया जा सकता है, खाने के बाद भी लिया जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। दोस्तों डॉक्टर जितना डोज दिया है आपको, जितना मात्रा करके दिया है उतना ही लीजिए, खुद से ज़्यादा मात्रा में मत ले लीजिएगा। इसको 10 से लेकर 15 दिन और 15 से लेकर कभी कभी 1 महीने के लिए भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है, खुद से इतना दिन ना लीजिएगा, बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों इसको प्रेगनेंसी में यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। 15 साल से नीचे बच्चों को 16 mg का टैबलेट ना दीजिएगा, इनके कंटेंट से पहले भी कोई एलर्जिक रह चुका हो उनको नहीं दिया जा सकता। जिनको सीवियर हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम हो, सीवियर लिवर डिजीज के प्रॉब्लम हो, उन्हें यूजेस करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, खुद से मेडिसिन कुछ भी मेडिसिन यूजेस ना कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।